अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, ये जो हम सिंगल नीडल मशीन पर मुकम्मल सेटिंग का कोर्स बना रहे हैं, इस कोर्स में हम इसकी ए टू जेड सेटिंग सीख रहे हैं। ये इस कोर्स की वीडियो नंबर 12 है। इस वीडियो में हम फीडोग लगाना सीखेंगे और उनकी मुकम्मल सेटिंग करना सीखेंगे जी। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब जी। तो दोस्तों, ये हमारे पास ताइवान के फीडोग हैं, ये 17 टीथ वाले हैं। इनका नंबर है 12481-17। बहुत अच्छे फीडोग होते हैं ये। तो ये जो निडल पेट है ना, इसका नंबर है B22। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों, फीडोग मशीन पर लगाते हैं। ओके, अब हम निडल ब्लेड लगाते हैं। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि जो जो निडल है ना, निडल पेड़ के सेंटर में नहीं है, एक साइड पे है। ठीक है, अब इसको भी हम सेट करेंगे और ये जो फीड हो गया ना, इनको भी निडल पेड़ के सेंटर में करेंगे। ठीक है, तो वो हम आपको बताते हैं कहाँ से और कैसे होंगे ये। तो दोस्तों, निडल पेड का निडल के साथ सेंटर करने में ना, यहाँ से हम ओपन करेंगे फीडोग को और जिधर को निडल लग रही है ना, वहाँ से हम इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें। ओके, और यहाँ से इसको आगे पीछे और दाएं बाएं भी आप कर सकते हैं फीडोग को। ठीक है, ओके, ये आप देखें कि जो निडल है ना, इसका निडल पेड़ के बिल्कुल सेंटर में जा रही है। ठीक है जी। तो दोस्तों, अब हम फीडोग की जो हाइट है उसको सेट करते हैं। फीडोग की हाइट जो है ना, निडल पेड़ से ऊपर 1.5 से 2 mm होनी चाहिए। 1.5 mm, ये ज्यादा से ज्यादा 2 mm। ठीक है, ओके। ठीक है जी। तो दोस्तों, अब हम फीड बार शाफ्ट जो है ना, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ओके, ये मैंने ना फीड बार असेंबली नहीं लगाई है, इसलिए इसके साइड पे कहीं भी पैकिंग देने की ना जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आपके फीडबैक बराबर नहीं आ रहे तो आपको पैकिंग देनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता तो वो पैकिंग देने वाली वीडियो जो है ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।